सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं IQ Z7 5G मोबाइल में एप्स हाइड कैसे किया जाता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताऊंगा हाइड वाली ऐप को आप अपने मोबाइल में यूज कैसे करोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लीजिए। मोबाइल की सेटिंग ओपन होने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर फ्रेंड्स आप क्लिक करिए। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पर प्राइवेसी ऐप इनक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक प्राइवेसी पासवर्ड बनाना होगा। तो मैंने पहले से ही बना के रखा है, तो मैं डाल देता हूँ। अगर आपने यहाँ पर नहीं बनाया है तो आप यहाँ से बना लीजिए। तो मैं अपने दोस्तों पासवर्ड यहाँ से डाल देता हूँ। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस होगा आपके सामने। अब यहाँ पर हाइड ऐप का दोस्तों ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर व्यू हिडन ऐप्स का ऑप्शन आएगा, इस टिक को आपको जरूर इनेबल करना है, इससे आप हाइड वाली ऐप को आप अपने मोबाइल में चला पाओगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर सारी ऐप आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, जिस ऐप को आप अपने मोबाइल में हाइड करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं जो यहाँ से काइन मास्टर को हाइड कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर दिया, और फोन पे को हाइड कर लेता हूँ, ओके कर दिया। अब दो एप्लीकेशन मैंने हाइड कर दिया है, चलिए मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। बैक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो एप्लीकेशन मैंने हाइड किया था यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। तो फ्रेंड्स, ये तो रही बात ऐप हाइड करने की। अगर आप लोगों का मन हुआ चलाने का तो चलाएंगे। कैसे चलाना दोस्तों, बहुत ही सरल तरीका है। आपको दो उंगली लेना है, स्क्रीन पे रखने के बाद ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे। उसके बाद दोस्तों, जो प्राइवेसी पासवर्ड आपने बना के रखा है वो डाल देंगे, यहाँ पर हाइड वाली ऐप आ जाएंगी। तो यहाँ से दोस्तों आप ऐप को यूज कर सकते हो।